कौन है? राज, क्या बात है? हमेशा की तरह आज भी हमारी मुलाकात है। अंदर आएंगे या बाहर से ही चले जाएंगे? अगर मैं बाहर से चला गया तो फिर तुम हमें कभी नहीं पाओगी, समझ गई ना? पाने की बात तो दूर, आसमान की ऊंचाई और जमीन की पसियों से ढूंढ लाएंगे। इसीलिए तो कहता हूँ कि हम आपसे इस जन्म में मिले हैं और हर जन्म में मिलेंगे। जुदा भी न होंगे, ये कसम भी खाते हो? अच्छी जनाब, आप ये पूछती ही हो क्यों? आप तो हमें अपनी सांसों के करीब पाते हो। अब सुनिए, हमारा यहाँ आने का मामला है। उस मामले में हमारा भी कुछ भला? आपके भले के बगैर नहीं सोचता ये मनचला। तो फटाफट कहो, क्या कहना चाहते हो? हाँ हाँ, अगले महीने की 28 तारीख को आप हमारी दुल्हन का मकाम पाने वाली हैं। याद रखिए, आज का दिन आप जरूर याद रखिए, क्योंकि अगर मैंने आपको आपके राज सचदेवा से परमानेंटली अलग नहीं करवा दिया ना, तो मेरा नाम भी ज्ञानचंद डोगरा नहीं। कहाँ हो गई राज? हाँ चांदी, पंडित जी ने हमारी शादी की तारीख तय कर दी है। ओ राज, हमारे हाथ को छुओ, देखो ये कैसे ठंडे हो रहे हैं। अरे हम नर्वस हो रहे हैं। अरे इसमें नर्वस होने की क्या बात है भाई, तुम अपने पिता के घर से अपने पति के घर जा रही हो, बस इतना छोटा सा तो सफर हा? बोलने में तो ये सफर एक जुमले में खत्म हो जाता है राज, लेकिन प्रैक्टिकली ये सफर कितना मुश्किल है। एक घर को छोड़कर दूसरे घर को अपना घर बनाना कितना डिफिकल्ट होता है, ये मर्द नहीं एक औरत फील करती है। वो चार दीवारी जहां वो रहती है, जब वो शादी के बाद वहां जाती है तो वो उसे शिकायत भरी निगाह से देखती है कि हमने तुम्हें नहीं छोड़ा, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? मेरे घर आने के बाद मैं तुम्हें अपने पिता के घर जाने से कभी मना नहीं करूंगा। तुम आजाद रहोगी, जहां जाना चाहोगी जा सकोगी, तुम पर किसी तरह की बंदिशें या पाबंदियां नहीं। हमें पता है राज, तुम हम पर कभी भी बेजा पाबंदियां नहीं लगाओगे, लेकिन जब एक लड़की एक घर से दूसरे घर जाती है तो उसके दिल में इस किस्म की बातों का आना नेचुरल होता है ना। हाय चांदनी। हेलो रोहिणी। रोहिणी, हम तुम्हें अपने घर कल डिनर पे बुलाना चाहते हैं। किस खुशी में? हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है। हेलो 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 रोहिणी, रोहिणी तुम सुन रही हो ना? बालक चांदनी, तुम कल आ रही हो ना? हाँ मैं आऊंगी। ओके बाय। डैडी,
माय जान माय लव। हाउ आर यू? आओ बेटी आओ। हेलो बुआ, राज भैया की शादी के सारे काम हम पर आप पर है ना, इसलिए मैंने सीमा को रिक्वेस्ट किया और कहा हेल्प के लिए शादी तक हमारे यहाँ ही रुक जाए। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया सी, इससे और बात कोई अच्छी हो ही नहीं सकती। कभी कभी हमारी ये बेटी भी कुछ अकलमंदी के काम कर जाती है, क्यों सीमा? डैडी देख बेटे, हम तो बूढ़े हो गए, तुम दोनों लड़कियां मिलकर ही शादी के तामझाम संभाल लेना। ओके बुआ जी, ये मेरे साथ मेरे कमरे में रह सकती है ना? बिल्कुल, क्यों नहीं रह सकती, वैसे तो ये सारा घर इसका है। ग्रेट, ये जहां चाहे रह सकती है। थैंक यू बुआ जी, थैंक यू डैडी, बाय। चलो मैं तुम्हें कमरा दिखाती हूं। बहुत बता के भैया, भैया इधर हूं मैं, पता है ये आपकी शादी की तैयारी के लिए यहाँ आई है और अब ये यहाँ ही रहने वाली है। चलो चलो। राजी, अगर मेरे लिए कोई काम होगा तो मुझे बताइएगा जरूर, बताइएगा जरूर, रिमेम्बर। बाय भैया। बुआ जी, बुआ जी, ये आपने क्या किया? क्या हुआ बेटा? आपने उस सीमा को घर में रहने की इजाजत क्यों दी? बेटा, हमारे घर में शादी है और सीमा तो हमारी बच्ची समान है। बेटा, इस उम्र में कहां तक भाग दौड़ करूंगी? ओफो बुआ जी, मैं और रूबी है ना आपकी हेल्प करने के लिए। अरे बेटा देखो, बेटे देखो, शादी के वक्त मेरे पिताजी ने मुझे नसीहत की थी कि औरतों के बीच में कभी मत बोलना। वो तुम्हारे मामले में दखल नहीं देती तो तुम्हें उनके मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल। लेकिन डैड। नो बेटे नो, मैं अपने पिताजी की नसीहत एक बाप की हैसियत से तुम्हें कर रहा हूँ और यही बात तुम अपने बेटे से करना। चलो चलो। लटे दी चादर उठे सलेटी रंग म। अरे दीदी, ये क्या, आपने शादी के मेहमानों की इतनी लंबी लिस्ट बना दी है कि ये शादी के मेहमानों की नहीं बल्कि लोकसभा के इलेक्शन के वोटरों की लिस्ट लग रही है। वीर प्रताप, इसमें तो तुमने ताऊ शमशेर सिंह का नाम ही नहीं लिखा है। अब इतने हजार नाम हैं, कोई ना कोई तो मिस होगा। आप कहती हैं तो अभी हाथ से लिख देता हूँ। वीर प्रताप, दुनिया चाहे छूट जाए मगर अपने तो नहीं छूटने चाहिए ना। ताऊ शमशेर सिंह हमारे बुआ जी के बड़े बेटे हैं। बड़ा करीबी रिश्ता है। गुड मॉर्निंग सर। आइए मिस्टर रंगनाथ, माहौल शादी का है और आप ऐसे गायब हैं जैसे गधे के सर से सींग। गायब कहा हूं सर, बस ऑफिस के ही काम में मसरूफ हूँ। रंगनाथन, तुम एक काम करो, जब तक राज की शादी नहीं हो जाती तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो। अरे नहीं मैडम, नहीं नहीं, अगर मैंने छुट्टी ले ली तो सर मेरी हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी कर देंगे। कुछ नहीं करेगा, मैं कह रही हूँ ना। अरे नहीं दीदी, मैं यहाँ शादी के चक्करों में इतना मसरूफ हूँ और वहां दूल्हा मियां भी इतने बिजी हैं, अब किसी ना किसी घर के आदमी को तो दफ्तर में होना चाहिए। यू आर राइट सर। अब सर सीमा है? हाँ ऊपर है, जाओ। अरे भाई कहा ना ऊपर है, जाओ, तुम इस घर के लिए नए हो, जाओ। थैंक यू सर। पागल। नहीं नहीं नहीं, पहले मेरी सीमा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब क्यों आई है यहाँ? तुम बहुत बड़े दिल और मजबूत गुर्दे की लड़की हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि राज को फांस कर सचदेवा परिवार की बहू बन, तू बहू तो नहीं बन पाई, अब सचदेवा परिवार के बहू के स्वागत की तैयारियों में लगी है। भैया, आपकी इसी रोज की किटकिट की वजह से मैं यहाँ आई और आप यहाँ भी आ गए मुझे तंग करने के लिए। तंग करने नहीं, मैं तुझसे जंग करने आया हूँ। अरे तुझे क्या मालूम, एक भाई के लिए जवान बहन की शादी कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, भाइयों की रातों की नींदें उड़ जाती है। भैया काम की बात कीजिए, अगर कुछ पैसे वैसे चाहिए ना तो मुझे बता दीजिए। लानत है, लानत है रंगनाथन, तुझ पे लानत है। तेरी बहन बस तेरे बारे में इतना समझती है कि जब भी तुझसे मिलने आता है पैसे मांगने आता है।
अरे मैं तुझसे पैसा मांगने नहीं आया हूँ, तुझ पर पैसा खर्च करने आया हूँ। वो मैंने तेरे लिए एक काबिल लड़का ढूंढ लिया है। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, उस काबिल लड़के को ढूंढने में तुम्हारा जरूर कोई ना कोई स्वार्थ होगा। क्या वो राज से ज्यादा पैसे वाला है? शरा, चुप चुप रह। कैसी बहन है तू, अपने भाई की मोहब्बत को हमेशा रुपए पैसे के तराजू में तौलती रहती है। बस एक बात कान खोलकर सुन ले, मैंने तेरी शादी उस लड़के से फाइनल कर दी है। और मैं उससे शादी नहीं करूंगी। नहीं करेगी तो जबरदस्ती करवाऊंगा, समझ गई तू? अहमक कहीं की, एक नंबर की अहमक लड़की है। भाई की खुशी का जरा भी एहसास नहीं है, ये भी नहीं सोचती कि भाई का भला होगा, बैठे बैठे नोट कमाएगा, बेवकूफ। छे मेरा कोटा। वही तो देने आया हूँ रूबी डार्लिंग। तुमने कभी सोचा जाने मन, तुमसे मिलने के लिए मुझे कितनी तकलीफें उठानी पड़ती? ओ रंगनाथन, मैं भी तो तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोचती नहीं हूँ। सच? तुम्हें शक है? नहीं, मुझे तो यकीन है। तो फिर क्यों पूछा? बस ऐसे जरा तुम्हें छेड़ने के लिए। रामू, रामू, ये रामू का बच्चा तो बहरा हो गया, देखती हूँ मैं। अरे दीदी रिलैक्स रिलैक्स, मैं देखता हूँ। उफ़ तौती, अब जाओ ना। ए, रात को घर आ जाओ ना, अब तो सीमा भी यहाँ पर आ गई है। यू भैया, ये क्या बेशर्मी लगा रखी है तुम लोगों ने। रूबी चलो यहाँ से। अरे तुम तीनों यहाँ सीढ़ियों पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं अंकल, बस भैया को छोड़ने के लिए नीचे उतर रहे थे। तुमने हमारे उस एक अदद फुलतरू रामू को देखा है? नहीं, वो ऊपर तो नहीं है। पता नहीं कमबख्त ये कहां नजारत हो गया है। चलता हूं। हेलो राज सचदेवा। आप कौन बोल रहे हैं? हम चांदनी के चाचा बोल रहे हैं। ओहो चाचा जी, अफसोस है कि आप मुझे उस वक्त फोन कर रहे हैं जब कुछ भी नहीं बचा। हाँ डब्बा गुल हो चुका है एकदम। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं चांदनी के साथ ताल्लुकात तोड़ दूंगा। राज हम हैं। चाची जी इसी बात का तो गम है कि आप भी चांदनी की तरह बोलती हैं। सॉरी अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता आपकी बेटी के लिए, इसलिए आप तो मुझे माफी कर दीजिए चाची जी, और आइंदा मुझे फोन करने की हिमाकत मत कीजिएगा। हेलो राज। सॉरी मैं राज का चाचा बोल रहा हूँ। राज ये तुम हो? मैं राज नहीं योगराज हूँ, योगराज। अब अगर मजाक किया तो हम फोन रख देंगे। अरे भाई अजीब लड़की हो, फोन पे ही हमसे लागू हो रही हो हैं? अरे तुम्हें फोन रखना है तो रखो, वरना हमसे प्रेम की बातें करो। देखो हम रिश्ते में राज के चाचा जरूर हैं, लेकिन हम उम्र में उससे छोटे हैं। हाँ। तुम ऐसा करो अभी घर चली आओ, हम तुम्हें देख लेंगे और तुम हमें देख लेना, और फिर प्यार शार कर लेंगे। शट अप बुड्ढे खूसड़। तो तुमने यकीन कर लिया कि मैं अपना चाचा हूँ? राज कहिए चांदनी जी, कैसी लगी हमारी एक्टिंग? आपकी एक्टिंग का अवार्ड तो आज हम शाम को देंगे। क्यों क्यों, तुम कोई एक्टिंग कंपटीशन करवा रही हो क्या? जी नहीं, आज शाम आप हमारे घर डिनर पर आ रहे हैं,
यही याद दिलाने के लिए आपको फोन किया था। हमें तो अभी से बड़े जोरों की भूख लगी है, कहो तो अभी आ जाओ। जी नहीं, शाम को। वीर प्रताप, तुम जिंदगी की एक बहुत बड़ी बाजी खेलने जा रहे हो। शादी की तमाम तैयारियां धीरे धीरे मुकम्मल हो गई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि चांदनी को अपने घर की बहू बनाने के बाद तुम्हें पछताना पड़े। रंगनाथन ने जो कुछ कहा उस पर एक बार और गौर कर लो वीर प्रताप। हेलो सर। आओ रंगनाथन, आओ आओ बैठो। थैंक यू सर। क्या बात है सर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। और सुनाओ, कैसे आना हुआ? सर मेरी बहन है ना सीमा, राज साहब ने उसके लिए एक लड़का देखा है। लड़का काफी पढ़ा लिखा है, सुशील है, अच्छी फैमिली से है। ये तो बहुत अच्छी बात है, फौरन शादी कर दो। सर मैं तो राजी हूं, लेकिन सीमा नहीं मान रही। अब अगर आप और मैडम मिलकर उसे कन्विंस कर देंगे तो मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सर। ठीक है, मैं दीदी से बात करूंगा। ओके सर। अरे कहां जा रहे हो भाई, एक आध पैक लगाओ। सर मैं और आपके साथ नहीं। ऐसी भी क्या बात है? अरे नहीं नहीं सर, मैं खुद खुद बना लूंगा सर। थैंक यू। रंगनाथन जी, कुछ दिन पहले तुम मुझसे चांदनी के बारे में कुछ कह रहे थे। सर अब छोड़िए उस बात को, उस बात को तो जमाना हो गया। अब तो आप चांदनी को अपने परिवार की बहू बना रहे हैं। जख्म की जितनी परतें खोलेंगे उतना ही खून बहेगा सर। नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी है, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो आपके परिवार की बात है, घरेलू बात है। मैं आपको नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? और वैसे भी आपका एक ही लड़का है, उसकी कुंडली में जो भी लड़की आएगी वही आपके परिवार को कुल को चलाएगी। पर चांदनी आपके परिवार के लिए श्राप है, जितना हो सके उससे बचे। कल रोने से अच्छा है आज ही इस किस्से को खत्म कर डालिए। कमाल है सर, अब आपने मुझसे पूछा इसीलिए मैंने आपको बताया। मैं तो आपका वफादार हूं सर, मैं आपके साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूं। मैं चलूं सर? जा सकते हो। गुड नाइट सर। आज की दावत में हमने अपनी एक सहेली को बुलाया है। सहेली को? ये आपकी नई सहेली कहां से पैदा हो गई? अरे भाई बस है एक, बेचारी बड़े टेंशन से गुजर रही है। हाँ हाँ, शहर में जितनी टेंशन वाली लड़कियां हैं सबका ठेका आप ही ने तो ले रखा है। और आज किसी के घाव पर मरम रखने से उसका घाव भर तो जाता है, साथ में हम पर वाजिब इंसानियत के कर्ज से उतार जाता है। अरे वाह वाह चांदनी, तुम जैसी लड़कियों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। तभी तो तुमने हमें फांसा है। अच्छा, इसका उल्टा भी तो सोचा जा सकता है कि तुमने मुझे नहीं नहीं भाई, इससे पहले कि तुम भड़क जाओ, तुम्हारी उस सहेली का नाम क्या है? रोहिणी।